शीघ्रपतन का इलाज बिना दवाई से, इसके बारे में आज बातचीत करने वाले। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में पिछले 37 साल से अकोला में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। काफ़ी लोग हमको ऑडियो वीडियो कॉल से पूछते रहते हैं कि हमने दवाई तो ले लिया है मगर हमको अभी कुछ फ़ायदा नहीं हुआ दवाई का, और अभी हमको बिना दवाई का शीघ्रपतन का इलाज करना है। क्योंकि दवाई जब लेते हैं तो दवाई से फ़ायदा होता है बहुत लोगों को, ऐसा नहीं कि होता नहीं है। ऐसा SSRI ग्रुप, मैं हरदम जो बोलता हूँ, मेरे अनेक वीडियोस भी है, SSRI ग्रुप की दवाइयाँ हैं, बेंजोडाइजिपिन्स है, PDE5 इनहिबिटर्स है, तो ये दवाइयाँ आपको शीघ्रपतन के लिए काम में आती है। वैसी लोकल एनेस्थेटिक क्रीम्स है, लोकल स्प्रे है, एनेस्थेटाइज्ड कंडोम्स है, कीगल्स एक्सरसाइज है, अमेरिकन मेथड मास्टर्स एंड जॉनसन टेक्निक है, ये सब दवाई है। दवाई के साथ साथ साइकोथेरेपीज भी है। मगर अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई बिना दवाई का इलाज सिर्फ सम्मोहन से कैसा होगा, हिप्नोसिस से कैसा होगा, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए, प्री मैच रिजैकुलेशन होता क्यों है, यहाँ पर समझ लो। प्री मैच रिजैकुलेशन 90% से लेकर 99% तक, मतलब इतने लोगों में ये साइकोलॉजिकल है। बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होता है, और बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट जब होता है तो जल्दी डिस्चार्ज हो जाता है। अब एक्साइटमेंट हो सकता है कि बहुत ज़्यादा गैप हो गया, बहुत ज़्यादा उत्सुकता है, एंग्जाइटी है, होगा नहीं होगा, लूज़ हो जाएगा क्या, इरेक्शन निकल जाएगा क्या, जल्दी फेंक डालो, जल्दी जल्दी डिस्चार्ज होना चाहिए ताकि इरेक्शन निकल ना जाए, या धक 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 कर रहा है। मतलब होता क्या है कि सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम जो अपनी है बॉडी में, दो प्रकार की नर्वस सिस्टम है, एक है पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम, एक है सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम। तो सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो बहुत ज़्यादा काम करने लगती है, और उसके वजह से हमको ये जल्दी डिस्चार्ज हो जाता है। क्योंकि क्या होता है कि सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम ज़्यादा काम करने लगी, बहुत ज़्यादा, तो सेक्स थ्रेशोल्ड जो है, मतलब कितने लेवल पे आपको डिस्चार्ज हो जाएगा, कितने लेवल पे आप एक्साइटमेंट आपको बहुत ज़्यादा आ जाएगा, वो थ्रेशोल्ड है वो कम हो जाता है। वो कम हुआ कि फटाक से डिस्चार्ज हो जाता है। तो भी उसके लिए करना क्या है, उसके लिए आपका थ्रेशोल्ड जो है वो बढ़ाना पड़ेगा, राइज करना पड़ेगा। मतलब कोई भी सेक्स एक्टिविटी में रहता है एक थ्रेशोल्ड लेवल, सेक्स थ्रेशोल्ड लेवल, और वो रहता है डिपेंड एंग्जाइटी के ऊपर, कितने आप एंग्जाइटी, कितने एंग्शियस है आप। और एंग्जाइटी कहाँ से आती है, सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम से। अच्छा, एंग्जाइटी कंट्रोल सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम से होती है। एंग्जाइटी होती कहाँ से है, निगेटिव थाट से होती है। तो हमको क्या करना पड़ेगा कि निगेटिव थाट जो है हमारे दिमाग में, जो निगेटिव पैटर्न्स बने हैं, उसको हमको पॉजिटिव करना पड़ेगा। वो दो तरह से होगा, एक तो निगेटिव थाट्स जो है उसको पॉजिटिव करना है तो उसके साथ में डिबेट करो। डिबेट क्या करना है कि भाई मुझे ऐसा लगता है कि जल्दी निकल जाएगा, ये मेरे विचार है, ऐसा क्यों मेरे मन में आ रहा है। हाँ, एक दो तीन अटेम्प्ट के पहले एक बार ऐसा हुआ था इसलिए मुझे ऐसा लगता है, नहीं पिछले बार ऐसा हुआ था इसलिए मुझे ऐसा लगता है, मेरे को तो उत्सुकता है, बहुत ज़्यादा टेंशन है, एंग्जाइटी है, होगा नहीं होगा इसलिए होगा। मगर फिर आपने उस समय डिबेट करना है, अपने आप से बात करना है। क्या बात करना है कि देखो मैंने सब टेस्ट कर लिया, सब जांचें कर लिए, डॉपलर टेस्ट कर लिया, सीरम टेस्टोस्टेरोन लेवल कर लिया, ब्लड की सब टेस्ट कर लिया है, सब टेस्ट नॉर्मल है, इसका मतलब ये जो जल्दी गिर रहा है ये मेरा साइकोलॉजिकल है। तो बार बार निगेटिव थाट से आता है तो वो मुझे डिबेट करना है कि निगेटिव थाट जो है वो निगेटिव थाट्स है, वो सिर्फ थाट्स है, विचार है जो मेरे पास से आए हुए हैं, इसका कोई सबूत नहीं है कि मेरा भी जल्दी हो जाएगा, मैंने रिलैक्स होना चाहिए। ऐसा अपने आप को सजेशंस दो, खुद को हिप्नोटाइज करो, सेल्फ हिप्नोटाइज करो खुद को, अपने आप को सजेशन दो कि ये जो विचार आ रहे हैं ये सिर्फ विचार है, ये पास से आ रहे हैं, वैसा मेरे में कोई भी तकलीफ नहीं है, सब जांच पड़ताल की है, सब नॉर्मल है, ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रहा है, बहुत ज़्यादा थ्रेशोल्ड हो रहा है, सेक्स थ्रेशोल्ड है वो उसकी वजह से कम हो रहा है और मेरा जल्दी डिस्चार्ज हो रहा है। तभी मैंने क्या करना है कि निगेटिव थाट्स जो है उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करो, नंबर एक। नंबर दो, रिलैक्सेशन एक्सरसाइज करो। नंबर तीन, सेल्फ हिप्नोसिस करो। सेल्फ हिप्नोसिस में अपने आप को सजेशन दो और इमेजिन करो कि मैं एकदम रिलैक्स हूँ, मैं अप्रोच कर रहा हूँ मेरे पत्नी के पास, बातें कर रहा हूँ, दोनों एक दूसरे को एक्साइट कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, मैं बहुत कूल एंड क्वाइट हूँ, बहुत ही रिलैक्स हूँ, बहुत ज़्यादा रिलैक्स हूँ।
एंजॉय कर रहा हूँ, इंसर्शन किया है, सेक्स कर रहा हूँ, बहुत ही रिलैक्स हूँ और मेरा इंटरकोर्स एकदम आराम से शांति से हो रहा है, दोनों को बहुत अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है और मेरा इंटरकोर्स ख़त्म हो गया है। ऐसा पूरा आप इमेजिन करते हैं, रिलैक्स करते हैं और रिलैक्स अवस्था में वो इमेजिन करते हैं इंटरकोर्स हो रहा है ऐसा, और एक्चुअली जब इंटरकोर्स करते हैं तभी भी एकदम रिलैक्स रहते हैं कि कुछ नहीं होने वाला है, रिलैक्स रिलैक्स, तो आपका आराम सही रहेगा, दवाई लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा, मैं लोगों को बोलता हूँ कि आप 4 दिन ऐसा करो कि 4 दिन अभी सेक्स करना ही नहीं है, पत्नी को बोलो कि हमको सेक्स करना ही नहीं, सिर्फ फोर प्ले का। तो क्या होता है, अभी परफॉर्मेंस टेंशन जो है, परफॉर्मेंस एंग्जाइटी, वो निकल जाती है क्योंकि अभी करना ही नहीं है, खेलना है, तो आपका ख्याल पूरा कहाँ है, अभी खेलने की तरफ है, आप एकदम रिलैक्स हो। और फिर बहुत ज़्यादा लोग, 90% लोग ये बोलते हैं कि हमने वो टारगेट निकाल दिया कि अपने को करना है, ये टारगेट निकाल दिया तो बहुत रिलैक्स हो गए, बहुत एंजॉय किया और फिर हमने सेक्स किया तो आराम से गिरा, डिस्चार्ज जल्दी हुआ नहीं। तो मैंने 2 बातें बताई मेनली, एक तो निगेटिव थाट्स को पॉजिटिव थाट्स में कन्वर्ट करो। वो कैसा, कि निगेटिव थाट्स जो मेरे मन में आ रहे हैं बार बार, उसको कोई सबूत नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है, मेरा सब फिजिकल नॉर्मल है और मैं आराम से डिस्चार्ज करने वाला हूँ, ये निगेटिव थाट्स जा रहे हैं उसमें कोई मतलब है नहीं, ये सिर्फ थाट्स है। ये पहला बार बार अपने को जताने का है। और दूसरा, सेल्फ हिप्नोसिस करके इमेजिन करना है, विजुअलाइज करना है कि मैं सेक्स कर रहा हूँ और मेरा आराम से डिस्चार्ज हो रहा है। 3, जब एक्चुअली सेक्स कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा रिलैक्स रहना है, पत्नी को बोल देने का है ताकि वो परफॉर्मेंस एंग्जाइटी निकल जाएगी, और आराम आराम से, आराम आराम से सेक्स करने का है, जब एक्चुअली सेक्स कर रहे हैं रिलैक्स होकर सेक्स करने का है। ये 3 तरीके अपनाएंगे तो आपको कोई भी दवाई लेने की जरूरत पड़ेगी नहीं और आपका प्री मैच इजैकुलेशन अच्छा हो जाएगा। वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर लोगों को शेयर करो। थैंक यू वेरी मच।